प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान पर चर्चा हम कर रहे हैं और आज यहाँ एक नए बिंदु के रूप में हम ले रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अधिनियम के पारित होने के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, क्यों पारित किया गया, ऐसे कौन से तात्कालिक वाकयात थे या ऐसे कौन से दीर्घकालिक वाकयात थे जिनके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए ये सुधार अधिनियम जो है पारित करना पड़ा। एक दिन के कारण यहाँ पर नहीं है, कुछ कारण बहुत शॉर्ट टाइम से हैं और कुछ कारण दीर्घकालीन हैं। इन सब की पृष्ठभूमि में 1919 का सुधार अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। एक बात हमें यहाँ महत्वपूर्ण रूप से समझ लेनी होगी कि उस समय भारत के लिए सक्षम विधायिका ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश जो विधायिका है वो ही भारत के लिए सक्षम विधायिका के रूप में मान्य है, क्योंकि उस समय भारत भी ब्रिटिश भारत कहलाता है या ब्रिटेन के सम्राट की भारत के सम्राट हैं या भारत की जो जनता है वो ब्रिटिश सम्राट की प्रजा कही जा रही हैं। अब जो कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने आज़ादी के आंदोलन तक की मुख्य मुख्य घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन ये उसके बीच की घटना है, इसका लीगल आस्पेक्ट है। ये यूँ कहें कि भारत के लीगल आस्पेक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसीलिए हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये घटना एक लीगल एस्पेक्ट रखने के कारण हम इसका पृथक से अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य घटनाओं के साथ हमने इसका जिक्र नहीं किया था। इस आंदोलन के समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं जिन परिस्थितियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को, साम्राज्यवादियों को, ब्रिटिश नौकरशाही को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सुधार के दृष्टिकोण से भारतीयों के लिए कुछ कार्यों का किया जाना बहुत आवश्यक है, भारतीयों के लिए कुछ कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है भारतीयों में कहीं विद्रोह की भावना पनप सकती है, विद्रोह की चिंगारी नहीं भड़के इसके लिए समय समय पर वो कुछ ऐसे उपाय करते रहे, ऐसे कुछ ठंडे जो है छींटे भारतीयों को देते रहे जिससे उनमें कभी क्रांति का माहौल नहीं बन जाए, क्योंकि जब क्रांति का माहौल बनता है तो इसका जो रूप है वो ब्रिटिश नौकरशाही देख चुकी है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही निरंतर मांग उठ रही थी कि भारतीयों के लिए कुछ शासन प्रशासन में सुधार किए जाएँ, और इसी का परिणाम था कि 1857 के तुरंत बाद 1858 में शासन जो है कंपनी से निकल के ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है, यानी अब ब्रिटिश सरकार वास्तविक रूप से भारत की सरकार बन चुकी है। और इसी कड़ी में सबसे पहले 1861 का एक भारत परिषद अधिनियम पारित किया जाता है। इसमें भारतीयों के कुछ तुष्टिकरण करने का प्रयास इस अधिनियम में किया गया, कुछ रियायतें देने का प्रयास इस अधिनियम में किया गया, परिषदों की स्थापना करने का प्रयास किया गया और स्वशासन की संस्थाओं के से जोड़ के इसको देखा गया, ऐसा सपना भारतीयों को दिखाया गया, लेकिन ये अपने आप में अपूर्ण और अपर्याप्त व्यवस्था ब्रिटेन के द्वारा भारत के लिए मानी गई। इसी कड़ी में दूसरा जो प्रयास था वो महत्वपूर्ण रूप से 1892 का अधिनियम कह सकते हैं। इस अधिनियम से भारतीयों को बड़ी अपेक्षा थी और भारतीय अपनी अपेक्षाओं की तुष्टि इस अधिनियम के माध्यम से चाहते थे, ऐसे सुधार अधिनियम के माध्यम से। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया। इस अधिनियम में कुछ भारतीय जो परिषदें बनाई गई थी, इन परिषदों को कुछ शक्तियाँ अवश्य प्रदान की गई, उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या में भी इजाफा किया गया, और देखने के दृष्टिकोण से भारतीयों को के प्रशासनिक सुधार का प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया, लेकिन ये प्रयास भी भारतीयों को नाकाफी साबित हुए, भारतीयों की आकांक्षाओं को किसी भी रूप में ये पूरा करने में असफल रहे। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम, जिसे 1909 का सुधार अधिनियम भी कहा गया। ये
अब चूंकि इस अधिनियम के आने से पूर्व भारत में बहुत बड़ी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और लॉर्ड कर्जन के दमनकारी शासन के कारण से जो है जनता त्रस्त हैं, बंगाल का विभाजन कर दिया गया और विभाजन का आधार सांप्रदायिक इन्होंने बनाया। यद्यपि दिखावे के तौर पर इन्होंने ये कहा कि बंगाल बड़ा प्रांत होने के कारण से प्रशासन में दिक्कत होती है, चूँकि उस समय बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य दोनों को मिला के बना हुआ था और उसमें उड़ीसा और उससे मिलते जुलते कई सारे प्रांतों के और भी कई सारे इलाके इसमें शामिल थे। तो बड़ा प्रांत का तर्क देकर के इसका विभाजन किया गया और असलियत बात यह थी कि भारतीयों में संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हिंदू भाषी इलाकों और जो है मुसलमान इलाकों को अलग अलग इन्होंने करने का प्रयास इसमें किया गया, हिंदू बहुल इलाके और मुस्लिम बहुल इलाकों को विभाजन का आधार इन्होंने बनाया। तो बंगाल विभाजन एक तरीके से आग में घी का काम उस समय कर रहा है। इसी कड़ी में 1909 का अधिनियम सुधार अधिनियम के नाम से वो पारित करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और इस अधिनियम ने भारतीयों को सुधार के लिए तो वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी एक स्थापना यहाँ पर, एक बहुत बड़े विश्व वृक्ष का बीज यहाँ पर डाल दिया गया 1909 के अधिनियम ने, और ये था सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, या यूँ कहें कि सांप्रदायिक निर्वाचन इस अधिनियम की मुख्य विशेषता बन के रह गया, और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचनों की व्यवस्था की गई और हिंदुओं के लिए पृथक निर्वाचनों की व्यवस्था की गई, और अंग्रेजी नौकरशाही ब्रिटिश नौकरशाही का जो भारतीयों को धर्म के आधार पर लड़ाने का जो विचार था उस विचार को विधिवत वैधानिक अमली जामा इन्होंने पहना दिया, और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत इस अधिनियम के माध्यम से करके एक ऐसे अमर विश्व वृक्ष की स्थापना बीज इन्होंने बो दिया जो कालांतर में देश के विभाजन का आधार बना, और इससे वर्तमान पीढ़ी भी आज तक भी त्रस्त दिखाई देती हैं। तो 1909 का कहने को सुधार अधिनियम था, लेकिन भारतीय समाज का बड़े बुरे तरीके से विपरीत तरीके से इसने विभाजन किया, और ये अधिनियम भी किसी प्रकार से भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। अब उस समय और भी बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। 1915 के आसपास तक उदारवादी आंदोलन समापन के दौर में था, उदारवादी विचार समापन के दौर में था, उग्रवाद का बोलबाला बढ़ रहा था। इसी कड़ी में गांधी भारतीय नेता के रूप में उभरते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर था। 1915 के आसपास गांधी जो हैं सफल सत्याग्रही के रूप में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और भारतीय राजनीति की प्रमुख घटनाओं का अवलोकन करते हुए धीरे धीरे वो जो हैं आंदोलन में शामिल होते हैं और धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नेता, एक राष्ट्रीय नायक के चरित्र के रूप में गांधी उभरते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण परिघटना इस दौर की है, कही जा सकती है। इसी कड़ी में प्रथम महायुद्ध का जिक्र भी किया जा सकता है। प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों ने भारत को शामिल किया भारतीय नेताओं की इच्छा जाने बिना, भारतीय जनता की इच्छा जाने बिना, और ये नारा दिया कि ये युद्ध स्वतंत्रता के लिए और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, मानव विश्व में मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए और स्वतंत्रता की स्थापना के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों की भी ये अपेक्षा हो रही थी कि इस युद्ध से भारतीयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा भारतीय नेताओं की थी। तो उपरोक्त परिस्थितियों के प्रसंग में जो है 1919 का सुधार अधिनियम पारित होता है, 1919 का सुधार अधिनियम पारित होता है, और इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व जो भारत मंत्री हैं मिस्टर मॉन्टेग्यू 20 अगस्त सन 1917 को जो है एक घोषणा करते हैं, और इस घोषणा को जो है इस रूप में सार संक्षेपित किया जा सकता है कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे, स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की जाएंगी, और ये क्रमिक विकास, ये जो
ये जो स्वशासी संस्थाएं या उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएंगी वो क्रमिक विकास के द्वारा ही संभव होगा। अर्थात इस घोषणा का सार संक्षेप ये है कि वो सीधे तौर पर और तुरंत जो है भारतीयों को शासन हस्तांतरण करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनका विचार यहाँ पर ये था कि ये मान के चलते थे और बहुत बार ब्रिटिश नौकरशाही ने, भारत मंत्री ने, ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने ये उद्बोधन भी किया कि भारतीय नेताओं में, भारतीय लोगों में प्रशासन की क्षमताएं नहीं हैं और उनमें धीरे धीरे प्रशासन की क्षमताओं का विकास हम करेंगे और धीरे धीरे उनको सत्ता का हस्तांतरण, स्वशासन का हस्तांतरण किया जाएगा। इस प्रकार क्रमिक विकास को इन्होंने मूल आधार बनाया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये कि क्रमिक विकास के प्रत्येक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, अर्थात भारतीय नेताओं को इसके आकलन का अधिकार नहीं होगा। भारतीय नेता ये नहीं कह सकते हैं कि ये विकास पूरा हुआ या अगला विकास होना चाहिए, अगला स्टेप होना चाहिए। इस विकास के प्रत्येक चरण के निर्णय का अधिकार ब्रिटिश नौकरशाही के पास, ब्रिटिश शासन के पास रहेगा। ये इस घोषणा का मुख्य पहलू है। और इसके साथ ही एक और बात इन्होंने कही इस घोषणा में कि भारत शासन में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की इच्छा से हम ये कार्य कर रहे हैं, भारतीय अधिकाधिक सहयोग करेंगे और हम उन्हें शासन हस्तांतरण में योगदान करेंगे या स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करेंगे या उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। तो कुल मिला के इस घोषणा का निष्कर्ष अभी भी औपनिवेशिक स्वराज्य ही है। ये घोषणा कहीं भी स्पष्ट रूप से भारतीयों को स्वशासन देने की बात नहीं कह रही है, स्वराज्य देने की बात नहीं कह रही है। इस घोषणा का जो निष्कर्ष है वो अभी भी किसी न किसी रूप में औपनिवेशिक स्वराज्य की तरफ क्रमिक चरण बढ़ाने की बात हो रही है या क्रमिक विकास की तरफ अग्रसर होने की बात हो रही है। ये महत्वपूर्ण बात इस घोषणा की है। ये इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए जो है 1919 का अधिनियम अस्तित्व में आता है। 1919 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें सबसे पहले अधिनियम की प्रस्तावना है, अधिनियम का प्रीएम्बल है। अधिनियम की प्रस्तावना, अधिनियम का प्रीएम्बल। प्रस्तावना किसी अधिनियम का एक सार संक्षेपण है, किसी अधिनियम का एक मुखौटा है, या यूँ कहें कि अधिनियम के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है जो ये स्पष्ट करता है कि उस अधिनियम को लाकर के अधिनियम के निर्माता कौन सी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें इन व्यवस्थाओं को बदलना आवश्यक हो गया है और इस अधिनियम के द्वारा हम कौन सी परिस्थितियां स्थापित करना चाहते हैं, कौन सी स्थितियां बनाना चाहते हैं। अर्थात एक ऐसे तरीके का सार संक्षेपण किसी अधिनियम का प्रीएम्बल होता है, जिसके माध्यम से हम अधिनियम के द्वारा जिन परिस्थितियों में, जिन बैकग्राउंड्स में उस अधिनियम को लाया जा रहा है, जिन परिस्थितियों को प्राप्त करना है, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिन परिस्थितियों में बदलाव करना है, ये सारी बातों का सार संक्षेपण। बाकी अधिनियम में जो सब शाब्दिक रूप से उन व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के जो उपबंध किए गए हैं, जो धाराएं रखी गई हैं, उन सभी शाब्दिक उपबंधों का निष्कर्ष प्रस्तावना हमें बताती हैं, उसका एक तरीके से मजमून है पूरे अधिनियम का प्रस्तावना, और एक तरीके से सार जो उसका है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। हालांकि प्रस्तावना पूर्ण रूप से सार भी नहीं कही जा सकती है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ऐसा है कि वो सार भी हम इसको नहीं कह सकते पूर्ण रूप से, लेकिन एक तरीके से प्रस्तावना कुल मिला के एक खाका उस अधिनियम का बहुत कम शब्दों में हमारे सामने लाती हैं। तो इस अधिनियम का जो प्रीएम्बल था, जो प्रस्तावना थी, उसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य या ब्रिटिश संसद की जो मंशा है वो ये है कि शासन में भारतीयों के अधिकाधिक सहयोग से ब्रिटिश भारत में स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना और उत्तरदायी शासन की स्थापना की स्थापना करना संसद की वास्तविक इच्छा है, संसद का उद्देश्य है। अर्थात इसका जो निष्कर्ष था प्रीएम्बल वो ये था कि भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग शासन में लिया जाए और उसके माध्यम से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए कदम बढ़ाए जाएं और उसमें भारतीय अधिकाधिक सहयोग करें जिससे स्वशासन की स्थापना की जा सके। यही ब्रिटिश संसद का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया, सर्वोत्तम उद्देश्य बताया गया, संसद की इच्छा इसको बताया गया। ऐसी घोषणा को देखने से, प्रस्तावना को देखने से बड़ा एक सकारात्मक विचार बनता है
कि ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए बहुत अच्छा करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल उसका ऊपरी तौर है, उसका सतही तौर है। और आप आगे अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा करना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं था, बल्कि ऊपरी तौर पर भारतीयों को ये दिखा देना उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन उनके प्रति सजग है, ब्रिटिश शासन उनके प्रति सहानुभूति रखता है और ब्रिटिश शासन किसी भी दृष्टिकोण से भारतीयों के पक्ष में कार्य करना चाहता है। ये आगे और भी स्पष्ट होगा कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली अधिनियम के प्रावधान जो सब दिखाए गए, जो प्रावधान बताए गए, वास्तव में वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनको लागू करना उतना सरल नहीं था। और अधिकार और शक्तियाँ पुनः जो हैं किसी माध्यम से होती हुई ब्रिटिश शासन के पास चली गई। इस अधिनियम में भी यही व्यवस्था की गई, गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत मंत्री के पास और भारत मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के पास। इस प्रकार से व्यवस्थाएं वापस उसी चैनल से ब्रिटिश शासन को चली गई, दिखाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधान हैं। यहाँ पर एक संविधान संबंधी मुख्य विशेषता थी और वो ये थी कि एक तरीके से एकात्मक स्वरूप यहाँ पर रखा गया और बाकी व्यवस्थाओं को अलिखित रूप में रखा गया, अलिखित रूप में और कठोर रूप में रखा गया। जो संविधान के दृष्टिकोण से जो विशेषताएं होती है कि संविधान जब एकात्मक होते हैं तो वो कठोर भी हो सकते हैं, कठोर नहीं होते हैं, अलिखित हो सकते हैं, जब संगात्मक होते हैं तो कठोर होते हैं और लिखित भी होते हैं। तो संविधान का जो विभाजन का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में भी यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, जब एकात्मक संविधान है तो अलिखित है, अलिखित है तो कठोर है, जो कि ये किसी भी दृष्टिकोण से संवैधानिक विभाजन का, संवैधानिक वर्गीकरण का एक विषयिक दृष्टिकोण इसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस बात को यहाँ पर स्थापित किया गया, शासन मुख्यतः एकात्मक रहा, गवर्नर जनरल के पास मुख्य अधिकार रहे और उनका कठोर नियंत्रण प्रांतों के ऊपर और संघीय शासन पर बना रहा, लेकिन जो है बाकी सारे प्रावधान अलिखित रूप से ही चलते रहे, एकात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से शासन चलता रहा। इसका मुख्य और बड़ा जो विचार था वो था केंद्रीय शासन संबंधी प्रावधान। केंद्रीय शासन संबंधी जो प्रावधान हैं वो मुख्य प्रावधान यहाँ पर हैं। केंद्रीय शासन संबंधी जो प्रावधान किए गए इस अधिनियम में, मुख्यतः अनुत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, केंद्र में किसी भी प्रकार के उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। मुख्य शक्तियाँ गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल में रही, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल हैं उसको परिषदों की सहमति आवश्यक नहीं थी, किसी भी प्रकार से विधान परिषदों की सहमति आवश्यक नहीं थी, ऐसे कोई विषय नहीं थे जो गवर्नर जनरल को विधान परिषदें सहमति लेने के लिए बाध्य कर सके, ऐसे कोई भी विषय यहाँ पर नहीं रखे गए थे। इस प्रकार अनुत्तरदायी शासन की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। किसी भी दृष्टिकोण से गवर्नर जनरल विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं है और शासन की वास्तविक कार्यपालक और विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में रखी गई और उसका उत्तरदायित्व परिषदों के प्रति नहीं है और उसका उत्तरदायित्व भारत मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के प्रति है। तो एक प्रकार से अनुत्तरदायी शासन की स्थापना केंद्र में यहाँ पर की जाती है इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरी मुख्य बात यह थी कि यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना केंद्र में की गई, द्विसदनीय दो सदन केंद्रीय विधायिका में बनाए गए, एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा के कुल सदस्य 144 और राज्य परिषद के कुल सदस्य 60 रखे गए। इनमें कुछ सदस्य निर्वाचित हैं, कुछ सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत हैं। इस प्रकार केंद्रीय विधान पालिका या केंद्रीय विधान मंडल का निर्माण इस अधिनियम में प्रथम बार से किया गया। अब दूसरा जो मुद्दा यहाँ पर था, केंद्रीय विधान परिषदों की शक्ति में भी विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनको कुछ सीमित अधिकार दिए गए, जैसे वह परिषद वाद विवाद कर सकती है, वह परिषद प्रश्न पूछ सकती है, वह पूरक प्रश्न भी ला सकती है, लेकिन कार्यकारिणी के सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार इनके पास में नहीं है।
बजट के बारे में भी इनके पास में सीमित अधिकार हैं, बजट में ऐसे कोई परिवर्तन ये विधान परिषदें नहीं कर सकती हैं। इतने अधिकार देने के बाद भी इनको वास्तविक शक्तियां न तो वित्तीय मामलों में प्राप्त हुई और न ही वास्तविक शक्तियां जो हैं बजट संबंधी प्रावधानों में, और जो है इनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका भी वास्तविक स्वरूप इनको प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अभिव्यक्ति के बाद भी ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को किसी भी रूप से पदमुक्त करा पाने में असमर्थ हैं। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल अगर चाहें तो उनकी बात को स्वीकार करें और चाहें तो उनकी बात को स्वीकार नहीं करें। और अमूमन ऐसा ही होता था कि वह कभी भी विधान परिषदों में निर्णय वाद विवाद या उनके द्वारा लिए गए सहमति प्रस्तावों को किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार इन्होंने नहीं किया है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को असीमित विधायी और कार्यपालक शक्तियाँ इस अधिनियम के माध्यम से दी गई हैं। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को असीमित विधायी शक्तियाँ, असीमित कार्यपालक शक्तियाँ दी गई हैं। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो हैं किसी भी रूप में विधान परिषदों के अधीनस्थ नहीं हैं और वे जिस रूप में भी चाहें विधायी शक्तियाँ प्रयोग में ला सकते हैं, उस रूप में कार्यपालक शक्तियाँ प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो हैं भारत के वास्तविक यों कहें कि चीफ लेजिस्लेटर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बने हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम में है। नेक्स्ट जो है प्रांतीय शासन संबंधी प्रावधानों की चर्चा, द्वैध शासन संबंधी प्रावधानों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।